नमस्कार, मैं तासीम अहमद, क्राइम टुडे टीम से। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। में प्रदेश के राज्यपाल महामहिम राम नाईक जी कौशाम्बी के सहजादपुर गांव में पहुंचकर वीरांगना दुर्गा भाभी के स्मृति भवन का लोकार्पण किया तथा जनपद में सैनिक कल्याण भवन का शिलान्यास किया। कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर, शीतल प्रसाद विधायक सिराथू, लाल बहादुर विधायक मंजनपुर, जिला अध्यक्ष रमेश पासी, डीएम कौशाम्बी मनीष वर्मा, एसपी प्रदीप गुप्ता आला अधिकारी मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल गुरुवार को जनपद के सहजादपुर गांव पहुंचकर क्रांतिकारी दुर्गा भाभी की स्मृति भवन का लोकार्पण तथा सैनिक कल्याण भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कौशाम्बी जनपद अपने अंदर एक ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए हैं। क्रांतिकारी दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1902 को सहजादपुर गांव में पंडित बांके बिहारी भट्ट के घर में हुआ था। महामहिम दुर्गा भाभी के परिवार के लोगों से मिले और उनके घर गए। सभा स्थल पर पहुंचकर वीर शहीद सैनिक की पत्नियों को सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, कौशाम्बी। क्रांति दिवस के मौके पर जो काकोरी कांड है या 1857 का जो आंदोलन है, उसका क्या नाम परिवर्तन हो गया? काकोरी कांड अभी आप बात कह रहे थे, उसका नाम परिवर्तन कब तक? ऐसा है, शब्दों की भी एक ताकत थी और शब्दों की ताकत में काकोरी कांड कहा तो कांड ये शब्द की एक बदबू आ जाती है। फिर भयानक प्रकार के दुर्व्यवहार होते हैं, उसको भी कांड कहा जाता है, चोरी है, डकैती है। लेकिन वह जो हुआ वो तो चोरी डकैती नहीं थी, तो स्वराज्य प्राप्त करने के लिए धन इकट्ठा करने का काल था और इसलिए उसको स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ना चाहिए और उसका योग्य शब्द मेरे नज़र में काकोरी रेल अभियान कहा जा सकता है, या आप में से और किसी को अच्छा दूसरा शब्द आए तो कहा जा सकता है। वैसे 1857 का जो स्वातंत्र संग्राम हुआ, उस स्वातंत्र संग्राम को अंग्रेजों ने जो उस समय पर राज्य कर रहे थे, बगावत इस प्रकार का नाम दिया। अब अंग्रेजों ने बगावत कहा, लेकिन हम लोगों के लिए तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत पहला बड़ा इस प्रकार का संग्राम था और वह संग्राम बहुत बड़ा पहला था। ये इतिहास को लेकर स्वातंत्र वीर सावरकर जी ने सिद्ध करके दिखाया है और इसलिए शब्दों का महत्व होता है। इस भूमिका में ये शब्दों का जो चयन है, बगावत या स्वातंत्र समर, अभिमान देने वाला इस प्रकार का होता है, इसलिए मैंने स्वतंत्रता युद्ध कहा, इसलिए मैंने कहा कि वो अभियान है।